दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को थकाते थकाते ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को भी थकाना शुरू कर दिया है। जो हुकूमत है उसको भी कंफ्यूज कर दिया है और अपनी पार्टी भी कंफ्यूज है। बस ज्यादातर लोगों को इसको समझ नहीं आ रही कि खान साहब कर क्या रहे, लेकिन यकीन जाने कि उनको पता है वो क्या कर रहे हैं और वो बड़े एक प्लान के मुताबिक चल रहे हैं। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को थकाते थकाते ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को भी थकाना शुरू कर दिया है और लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट नहीं हो रही। लगातार ये ताखीर क्यों हो रही है? क्या आपको लगता है कि मतलूबा नताइज नहीं मिलेंगे या कोई और वजह? नहीं, वो कप्तान जो है वो अपनी स्ट्रेटजी जो है ना वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं और आपको पता है कि वो पुराने मुकाबले के एक्सपर्ट हैं। जिंदगी में उन्होंने पहले क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर अपने आप को एस्टैब्लिश किया, तो मुकाबला कैसे किया जाता है और अपने मुखालिफ के जहन के साथ कैसे खेला जाता है ना, तो उसके वो एक्सपर्ट हैं। तो इस वक्त वो ये कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने इस वक्त जो हुकूमत है उसको भी कन्फ्यूज कर दिया है और अपनी पार्टी भी कन्फ्यूज है। बस ज़्यादातर लोग सिवाय चंद लोगों के जिनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, तो लोगों को इसको समझ नहीं आ रही कि खान साहब कर क्या रहे हैं, लेकिन यकीन जाने कि उनको पता है वो क्या कर रहे हैं और वो बड़े एक प्लान के मुताबिक चल रहे हैं। नहीं, अगर देखें लोगों को बाहर निकलना है और लोग बेचारे बहुत परेशान हैं। महंगाई की आपने सूरत हाल देख ली है, इकॉनमी की हालत आपने देख ली है, पाकिस्तान नीचे से नीचे लगातार जाता चला जा रहा है। अभी आपने जो रिपोर्ट्स आई उनका आपने भी एक ट्वीट किया था। मैं जानना ये चाहता हूँ कि इस वक्त एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि क्या वो सिर्फ पॉलिटिक्स करें, मुखालिफीन के आसाब के साथ खेलें या लोगों को वाकई में रिलीफ लेकर दें? देखिए, जो बाकी इसमें तो कोई शक नहीं है। अभी आप बात करें, मेरी थोड़ी देर पहले बीवी गई हुई थी बाजार, वो वापस आई है, वो कहती है खुदा का वास्ता को निकल जाओ, मैं जिधर जाती हूँ जिसको पता चलता है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ तो मुझसे पहला सवाल ये पूछता है कि कब हमारी इनसे जान छुटवा रहे हैं और खान साहब बुला कब रहे हैं बाहर। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये कौम की इस वक्त ज़रूरत है। देखिए, खान ने करना क्या है, ये इमरान खान जैसे आपने कहा ना, लीडर है, कौम का लीडर है, वो कप्तान है सारी कौम का। उन्होंने इस मुल्क को इस बहरान से निकालना है। उस बहरान से निकालने के लिए वाहिद हल जो नज़र आता है वो एक नए इलेक्शन का है। वो नया इलेक्शन लेकर देना है बगैर मुल्क में इंतजार फैलाए हुए। सो उसको वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहरान से बाहर भी निकलें। लेकिन ये आप बिल्कुल बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस नतीजे पे वो पहुंच चुके हैं कि अगर हमने इसको बहुत ज़्यादा तेल घसीटते चले गए तो जिस तेज़ी से पाकिस्तान इस वक्त दलदल के अंदर धंस रहा है, और आगे थोड़ी सी शायद तफसील में बात कर लेंगे कि जिनकी मैंने जो ट्वीट्स भी की हैं कि कितने बड़े खतरात मुल्की मईशत के लिए पैदा हो रहे हैं, अवाम की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो रही है, तो उसको ज़रा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो पहुँच गए हैं इस नतीजे के ऊपर कि अब इसमें ज़्यादा ताखीर नहीं की जा सकती। आज जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का एक स्टेटमेंट है, उसको पीएमएलएन ने और कुछ और पॉलिटिकल पार्टी था, इतना तो मियां नवाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट को वो जो है वो उसकी प्रमोशन नहीं करते जिस पे वो बार बार चला रहे हैं, सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं कि सियासी और माशी तौर पे मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की इजाज़त नहीं देंगे। तो ये यानी ये खबर को आप कैसे देखते हैं, इस स्टेटमेंट को? बाकी सारे तो ऐसे दिखा रहे हैं, कुछ लोग तो लिख भी रहे हैं कि ये इमरान खान के लिए स्टेटमेंट, कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं। अच्छा, मैं जो हूँ ना, हाँ, मैं अगर ये स्टेटमेंट को सुनता हूँ ना तो मेरे ख्याल में तो इस स्टेटमेंट के अंदर बड़ी वाज़े वार्निंग है इस इम्पोर्टेड हुकूमत और पीडीएम के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत तो इमरान सारे पाकिस्तान को पता है बेहतरीन चल रही थी। पाकिस्तान की मईशत जो है 2 साल तवातर से 5.7 और 6% की रफ्तार से तरक्की की, हमारी बरामदात रिकॉर्ड हो रही थी, 5 में से 4 बड़ी फसलें रिकॉर्ड थी, बड़ी सनतें जो हैं वो 10% से ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रही थी, IT एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, महंगाई थोड़ी ज़्यादा थी आलमी मंडियों की महंगाई की वजह से, लेकिन कोई ऐसी महंगाई नहीं थी जो पाकिस्तान ने पहले ना देखी, उससे बहुत खराब हम देख चुके हैं। नहीं, महंगाई इससे ज़्यादा थी आप कह रहे हैं, जो आज महंगाई है उससे ज़्यादा थी पहले आपके दौर में? नहीं, जो हमारे वक्त में महंगाई थी इससे पहले, उससे पहले हमारे आने से पहले वक्त में उससे ज्यादा महंगाई रही चुकी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आया, इंपोर्टेड हुकूमत आई, साजिश आई, इंपोर्टेड हुकूमत आई और पाकिस्तान ने वो महंगाई देखी जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई थी। 16% थी ज़रूरी अशिया की अफरात ज़र जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, और वो 16% से बढ़ के 45% यानी 2.5 गुना उसके अंदर इजाफा हुआ चंद महीनों के अंदर अंदर। मंजिल, रास्ता, जज्बा,
भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ, जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।